साइंटिस्ट तो आए दिन काफी सारी चीजें थियोरेटिकली हमें बताते ही रहते हैं, लेकिन वो चीजें वाकई में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, इसके बारे में हमें कौन बताएगा? नंबर वन, व्हाइट होल्स। 1970 में जब व्हाइट होल्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में थे, तो लोगों ने तो मान ही लिया था कि अगर ब्लैक होल्स होते हैं तो उसका मतलब है कि व्हाइट होल्स भी तो होते ही होंगे। अब इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट के पास कोई इमेज तो था ही नहीं, और तभी लोगों ने ये मान लिया कि व्हाइट होल्स अनस्टेबल है और शायद ऐसा नॉर्मली एग्जिस्ट करते भी नहीं है। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड कम होने लगा और कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स व्हाइट होल्स को कैप्चर ही नहीं कर पाई। लेकिन अचानक 2006 में हुआ गामा रे बर्स्ट और इसकी वजह से वापस हम पहुंच गए व्हाइट होल्स पर। बेसिकली गामा रे बर्स्ट यूनिवर्स के मोस्ट एनर्जेटिक एक्सप्लोजन में से एक है, जिसे 2006 में ऑब्जर्व किया था एलन ग्रेटर और शोमलो हेलर ने। अब उनके हिसाब से सारे के सारे गामा रे बर्स्ट उसी जगह पर होते हैं जहां स्टार फॉर्मेशन स्लो होता है, लेकिन GRB060614 केस में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और इसीलिए उन्होंने इसके बाद ये सोच लिया कि शायद ये बर्स्ट एक व्हाइट होल हो सकता है जो काफी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लेकिन वो व्हाइट होल है या नहीं इसके बारे में पता आज तक तो चल पाया ही नहीं। सो बेसिकली अब तक ये बस थ्योरी ही है। अब आप बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या व्हाइट होल सच में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? क्या हम फ्यूचर में उनके होने का कंफर्म कर भी पाएंगे? नंबर टू, स्टार कॉन्स्टेलेशन। ये थोड़ा सा बेसिक तो है, लेकिन हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टेलेशन कोई रियल ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। वेल, ये जस्ट इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं जिन्हें फेमस पोइस एस्ट्रोनॉमर्स ने 6000 साल या उससे भी पहले अपने फायदे के लिए सिर्फ बनाया था। नंबर थ्री, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर यानी कि ग्रुप ऑफ क्लस्टर। प्लैनिसिया, जिसे कि हम अपना होम क्लस्टर मानते हैं, जो कि एक ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज हैं, और जिसमें हम जानते हैं कि उसको तकरीबन 100,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज के साथ मर्ज हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि जिसे हम सुपर क्लस्टर अभी तक मानते आए हैं, वो दरअसल रियल में है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोफिजिसिस्ट ईथन सीगल, द टर्म सुपर क्लस्टर इज मीनिंगलेस। उनके हिसाब से हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो सिर्फ मैटर से बना हुआ है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां स्पेस की इंटरनल एनर्जी और डार्क एनर्जी भी इंक्लूडेड है, और यही एनर्जी सुपर क्लस्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था, तब स्ट्रक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे थे, गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो रहे थे और क्लस्टर एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे थे। पर थोड़े टाइम बाद जब यही सारी चीजें एक्सलरेट होना शुरू हो गईं, तब एक्सपेंशन की वजह से चीजें एक दूसरे से दूर जाने लग गईं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में सिर्फ ऐसी ही चीजें एक्सपेंड होंगी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यही एक वजह है कि गैलेक्सी और क्लस्टर को देखेंगे पर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, यानी कि वो सुपर क्लस्टर बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में ग्रेविटी अपना काम कर रही है और गैलेक्सी और क्लस्टर को आपस में बनाए रख रही है, लेकिन फिर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में डार्क एनर्जी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रही है, और एज अ रिजल्ट जस्ट क्लस्टर का बनना पॉसिबल है और ग्रुप एंड गैलेक्सी स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, लेकिन सुपर क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ इमेजिनेशन का ही खेल है। तो अब इन तीनों स्पेस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के बाद एक सवाल मेरे जहन में तो जरूर आता है, जहाँ इतनी सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ क्या वॉर्म होल की भी थ्योरी एग्जिस्ट करती है? क्या वॉर्म होल की थ्योरी भी पॉसिबल हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे?